गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उससे हम दो रिलेटेड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और दूसरा वो कितने टाइम में करती है। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसे हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करती है, ये बताने वाला जो टर्म होता है वो स्पीड होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड को कैलकुलेट करना सीखा था, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है गिवन टाइम इंटरवल में, तो उसकी हर टाइम पर स्पीड अलग अलग होती है। तो इस प्रकार अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की एक परमानेंट स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी, एवरेज लूँगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वो हर टाइम इंटरवल में जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनली उसे इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने में जितना टाइम लगा वो उसका टोटल टाइम सम कर देंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रैवल करती है 4 सेकंड में, और अदर 16 मीटर ट्रैवल करती है 2 सेकंड में। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है मुझे, क्या है वहाँ की स्पीड। तो पहली स्पीड अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगी, 16 मीटर पर 4 सेकंड, यानी 4×4=16, यानी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है। और नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने अपनी डिस्टेंस अगेन वेरी कर ली, यानी कि पहले 4 सेकंड में वो 16 मीटर चली और नेक्स्ट 16 मीटर उसने 2 सेकंड में ही कवर कर लिया। ठीक है, तो दोनों ही टाइम इंटरवल में उसने अपनी स्पीड को चेंज किया। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी जब व्हीकल चलाते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप व्हीकल चलाते समय कुछ एरिया में जहाँ रश होता है वहाँ पर आप अपनी स्पीड स्लो कर लेते हो, और कुछ एरिया में फास्ट, जहाँ पर 4-lane रोड है, ठीक है, और रश वाला एरिया नहीं है, वहाँ आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला सकते अपना व्हीकल। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रश आप उसे वेरी करते हो। तो उस टाइम पर अगर आपको आपकी जो व्हीकल है उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करोगे, आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई व्हीकल परचेस किया है तो उस व्हीकल में जनरली आपने सुना होगा कि फ्यूल जितना डलाते तो उसका एवरेज वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो किसी की एवरेज होता है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई कंप्लीट सॉरी आर्स नहीं 45 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है 1 लीटर में। तो इस तरीके से वहाँ आपने देखा होगा कि अप्रोक्स वैल्यू नोट की जाती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती कि जैसे 1 लीटर पेट्रोल में वो 45 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, यानी एक्यूरेट 45 ही करेगी। सेम उसी तरह स्पीड में भी यहाँ पर हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम यहाँ पर उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, नाउ आज हम एक नया टर्म पढ़ेंगे स्पीड के बाद, स्पीड विथ डायरेक्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करती है, ठीक है, मूविंग कंडीशन में, तो दो टर्म उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और दूसरा कितने टाइम इंटरवल में कर रही है, क्योंकि स्पीड टर्म ही इसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एक तीसरी चीज़ और डाल दें कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में और किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो टर्म कहलाता है वेलोसिटी। मतलब अगर इस स्पीड के अंदर आपने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर स्पीड कैलकुलेशन में अभी तक आपने सिर्फ क्या देखा था, एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है, इतनी फास्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 जो कि एक मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड में अभी तक हम क्या लेते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, या कोई डायरेक्शन इंक्लूड करके शो करती हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट डायरेक्शन में,
तो डायरेक्शन इंक्लूड होने से वो टर्म क्या कहलाता है, वेलोसिटी। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि अगर किसी भी स्पेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं मोशन के साथ साथ, ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि स्पीड यानी कि स्पीड की वैल्यू एक मैग्नीट्यूड ही है और साथ में डायरेक्शन भी आ गई, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आ गई तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, एक टाइप की स्पीड ही है, बट जहाँ पर आप मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ से आपको स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस समझ में आया कि दोनों ही आपको ये बता रही है कि कितने किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस, कितने टाइम में ट्रैवल की है, बट स्पीड में आप डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हो और वेलोसिटी में आप डायरेक्शन को इंक्लूड करते हो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने स्पीड के बारे में भी पढ़ा ना कि स्पीड भी यूनिफॉर्म हो सकती है और वेरिएबल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, जो कि चेंज होती रहे, ठीक है। और इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार वेरी करती है, तो वेलोसिटी भी तो टर्म स्पीड से ही निकला है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है कि उसमें डायरेक्शन ऐड हो रहा है। तो अगर स्पीड चेंज होगी बार बार, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों ही चेंज हो रहा है, स्पीड और डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज होना पॉसिबल है, ठीक है, फिर तो होना ही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधी जा रही है लेकिन उसकी स्पीड वो बार बार चेंज कर रही है। स्पीड वर्ड आप समझो ना, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम इंटरवल में, तो हर बार अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अलग अलग टाइम इंटरवल में। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है तो उसकी स्पीड वेरी हो रही है ना, तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे अगर उसकी रेट ऑफ मोशन निकालनी है, क्योंकि हर बार उसकी स्पीड अलग है, ठीक है, जैसे हमने एवरेज स्पीड में निकाला था ना, एवरेज स्पीड में हमने क्या किया था, बार बार अगर वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो वो उसकी एवरेज स्पीड से हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर बार बार उसकी स्पीड ही चेंज हो रही है, यानी ओवरऑल कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन चेंज हो रहा है, तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज द कैलकुलेटेड ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स यूनिफॉर्म रेट, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है वो यूनिफॉर्म रेट से चल रही है, चेंज होती जा रही है, यानी कि पहले एक सेकेंड में 5 मीटर, अगेन एक सेकेंड में 5 मीटर, अगेन एक सेकेंड में 5 मीटर, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है। तो देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द एरिथमेटिक मीन, तो फाइनली हमें टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितने टाइम इंटरवल में और विथ डायरेक्शन, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी था प्लस जो उसकी फाइनल वेलोसिटी था, दोनों का सम करके डिवाइड टू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एवरेज ऐसे निकाला जाता है, तो इनिशियल क्या थी, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुई थी तब u थी और जब फाइनल हुई तो v हो गई। आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल स्टार्ट होता है तो इनिशियली उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जैसे जैसे हम उस पर रेस देते हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। और अब किसी मूविंग एक सिंपल डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी विथ डायरेक्शन और प्लस वी मतलब फाइनल स्पीड विथ डायरेक्शन यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यू प्लस वी दोनों का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब क्या है, वेयर, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन है कि एवरेज वी ए वी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और वी का होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी यूनिट क्या होगी, यू और वी दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। तो यू और वी दोनों वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जितने टाइम इंटरवल में, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर आप डायरेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्शन की कोई यूनिट नहीं लगानी हमें, ठीक है, तो सेम उसकी यूनिट तो वही रहेगी मीटर पर सेकेंड, ठीक।
यानी कि जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की रहेगी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है, ठीक है। नाउ 8.6 एक्टिविटी, अब यहाँ पर देखा है कि मेजर द टाइम इट टेक्स यू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप, आपके घर से बस स्टॉप जाने तक का टाइम आप नोट कीजिए या फिर स्कूल तक का कर लीजिए। इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, मान लो आप 4 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस एस्टिमेटेड कर ली ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस, यानी कि आपने घर से या तो बस स्टॉप या स्कूल तक जहाँ तक भी आप चल कर गए वहाँ तक की डिस्टेंस आपने मेजर करो, ठीक है। तो डिस्टेंस ये स्पीड आपकी अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी ये आप बताओ। एक्टिविटी 8.7, एट द टाइम व्हेन इट क्लाउडली देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग एंड द साउंड ऑफ थंडर टेक सम टाइम टू रीच योर आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। आपने देखा होगा ना कि जब स्पेशली बारिश का टाइम होता है तो लाइटनिंग होती है, ठीक है, और लाइटनिंग के कुछ टाइम के बाद साउंड आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, लाइट और साउंड एक साथ क्यों नहीं आते। मेजर द टाइम इंटरवल यूजिंग द डिजिटल रिस्ट वॉच और स्टॉप वॉच, ठीक है। तो आप ऐसा जब भी हो तो आप एक स्टॉप वॉच से आप लाइटनिंग होने का टाइम और उसके बाद थंडर यानी कि साउंड आने का टाइम, दोनों टाइम के बीच का डिस्टेंस सॉरी डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आप वॉच स्टार्ट कर दीजिए जब लाइटनिंग होती है और उसके कितने टाइम बाद साउंड आता है, ये दोनों के बीच का टाइम नोट कीजिए। नाउ ये टाइम्स आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पीड होती है दोनों में। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि लाइट पहले आया और उसके थंडर यानी साउंड की स्पीड कम होती है लाइट के कंपैरिजन में। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग का सबसे नियरेस्ट पॉइंट यानी कि साउंड की स्पीड कितनी है हवा में, 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये साउंड की स्पीड होती है। तो आप इतना डिफरेंस पता कर सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितनी दूरी तक वो साउंड ट्रैवल करके गया है, ठीक है, या आया है हमारे पास। नाउ ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर थे स्पीड और वेलोसिटी में। हियर एग्जांपल नंबर 8.2, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। देखो कार से जब ट्रिप स्टार्ट की है तब ऑडोमीटर क्या करता है, ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर आपकी गाड़ी की टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की ये बताता है, और स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, ठीक है, 2 मीटर होते हैं और एक फ्यूल मीटर होता है। तो यहाँ पर हम ऑडोमीटर स्पीडोमीटर को देखें तो ऑडोमीटर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो बताएगा और स्पीडोमीटर गाड़ी किस स्पीड से चल रही है ये बताता है। तो ऑडोमीटर की बात करते हैं तो एक कार की ट्रिप स्टार्ट हुई है तब उसने 2000 किलोमीटर ऑलरेडी ऑडोमीटर पे डला हुआ है, यानी कि अभी तक स्टार्टिंग 2000 किलोमीटर से हो रही है, रीडिंग इतनी है स्टार्टिंग की। देन 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, ट्रिप ख़त्म होने के बाद 2400 किलोमीटर रीडिंग आ रही है, शुरुआत में 2000 थी और जहाँ एंड हुआ वहाँ 2400 है। इफ़ द ट्रिप लुक्स 8 आवर, अगर ट्रिप टोटल 8 आवर्स में कंप्लीट हुई है तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में आपको कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो फिर किलोमीटर और आवर्स में कैलकुलेट होता है और शॉर्ट डिस्टेंस होती है तो मीटर पर सेकेंड में होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी गाड़ी का जो ऑडोमीटर है उसकी स्पीड उसका जो डिस्टेंस थी उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में 2000 थी और लास्ट में 2400 हो गई, यानी कि टोटल हमारी जो व्हीकल है उसने कितना ट्रैवल किया, कार ने कितना ट्रैवल किया। तो स्टार्टिंग फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने देखा तो 400 किलोमीटर अभी तक उसने ट्रैवल किया और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था ट्रैवलिंग का, 8 आवर्स था। यानी हमें इतना समझ में आ गया कि उसने 400 किलोमीटर ट्रैवल कितने टाइम में किया है, 8 आवर्स में किया है, ठीक है। लेकिन हमें स्पीड तो पता चल गई 400 किलोमीटर पर 8 आवर, बट यहाँ पर हमें पर आवर में निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 400 से 8 को डिवाइड किया तो क्या आया, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार की स्पीड क्या थी वो हर आवर्स में हर आवर में
50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था। इस तरीके से उसने टोटल 8 आवर्स में 400 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब आपको कहा है कि मीटर पर सेकंड में भी इंडिकेट करना है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड के लिए आपने क्या किया, किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1000 का, और आवर्स को चेंज करना है सेकंड में, तो सबसे पहले सेकंड के सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 सेकंड, क्योंकि पहले हम 1 आवर को इंटू 60 करके मिनट में लाएंगे और मिनट से इंटू 60 करके सेकंड्स में लाएंगे, तो 3600 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज किया। नाउ 13.9 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने कैलकुलेट किया है 1000, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को आपने 1000 मीटर लिखा और डायरेक्ट आर्स की जगह आप 3600 लिख सकते हो। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी और 500 / 36, दैट इज 13.9 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स बोल सकते हो, तो ये दोनों की एवरेज स्पीड आई, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल था। देखो नेक्स्ट है उषा। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब एक स्विमिंग पूल है, उसमें से वो 90 मीटर लंबा है, ठीक है, और उस वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना ट्रैवल करती है, 180 मीटर, ठीक है, आप स्पीड माइंड में रखिएगा, उसकी स्पीड कितनी है, 180 मीटर पर मिनट, ठीक है। बाय स्विमिंग फोर्स वन एंड टू द अनदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और अब देखिए वो वापस आ रही है, ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हमें पता चला कि उषा ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 1 मिनट में, 180, ठीक है। कैसे ट्रैवल की, क्योंकि स्विमिंग पूल कितना लंबा है, 90 मीटर है, ठीक है, और 180 कैसे की, क्योंकि 90 मीटर वो गई और 90 मीटर वो रिटर्न आ गई, ठीक है, तो टोटल 90 और 90 कितना हो गया, 180 मीटर हो गया। तो 1 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया, टोटल 180 मीटर, ठीक है। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 0 मीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक नया टर्म है जो आपको बताती हूँ मैं, कि डिस्टेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रैवल करके जाती है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच की टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, तो उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और अगर वो इस पाथ को ट्रैवल करती हुई ऐसे 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 और इस पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है, अब इस रास्ते पर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है, इस पर 1.5 किलोमीटर करती है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, यहाँ से 3 किलोमीटर करती है, यहाँ से अगेन 2 किलोमीटर करती है, ये मैं मन से वैल्यू ले रही हूँ, ये 1 किलोमीटर है और यहाँ से 4 किलोमीटर है ना, तो ये क्या है, पूरे पाथ की लेंथ है ना, कि उसने टोटल पूरा रास्ता कितना कवर किया, ये उसकी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हुई, 1, 1.5, 2.5, 2.2, 4.5, 4.5 और 3, 7.5, 7.5 और 2, 9.5 और 1, 10.5 और 4, 14.5। तो यहाँ पर उसकी डिस्टेंस आई 14.5 किलोमीटर। ये क्या कहलाई, इसकी डिस्टेंस, यानी टोटल पाथ उसने कितना कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, तो डिस्प्लेस का मतलब ही आप समझ सकते हो, डिस्प्लेस करना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं कि वो कितना रास्ता ट्रैवल करता है, डिस्प्लेसमेंट को क्या सेंस है, क्या मतलब है कि वो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सपोज कर लो ये तो 5 किलोमीटर ही है इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस, तो उसे हम कितना लिखते हैं, 5 किलोमीटर,
ठीक है। अब देखो डिस्टेंस में वो किसी भी डायरेक्शन को ट्रेवल करता हुआ आपने देखा कई बार कितने ही टर्न आए उसने चेंज किए डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड होती है, क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जब आप देखते हो कि वो इनिशियल से फाइनल मैं बोल रही हूँ, यानी कि वो डायरेक्शन को क्लियर बता रहा है कि इनिशियल पॉइंट ये है और यहाँ से ऑब्जेक्ट फाइनल की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल टू इनिशियल, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन की नीड होती है। तो ये मैटर है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो ऊषा ट्रैवल करके जाती है, एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 90 मीटर है, और यहाँ तक जाके अगेन रिटर्न होती है, तो उस केस में उसकी डिस्टेंस कितनी रही? पहले यहाँ तक गई तो 90 प्लस यहाँ से वापस गई तो अगेन 90, टोटल कितनी हुई? 180 मीटर हो गई, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ जाना, यानी इनिशियल पॉइंट यहाँ था और यहाँ से वापस आ गई, यानी कि फाइनल भी यही था। तो इनिशियल और फाइनल जब दोनों ही पॉइंट सेम थे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? ज़ीरो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम कर चक्कर लगा कर वापस भी आ जाए तो इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही है, यानी कि वहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो। और डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो, ठीक है। तो अब सेम थिंग है यहाँ पर, ऊषा के अकॉर्डिंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस तो 180 मीटर थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो मीटर होगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है, ठीक। तो स्पीड को मैं आपको समझा देती हूँ कि हमेशा स्पीड क्या होती है, शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। स्पीड को हम कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का चेंज होना स्पीड कहलाता है, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो आपने देखा ना अभी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी एक वही टर्म है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, ठीक है, वो कहलाता है वेलोसिटी। और टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड का चेंज होना कहलाता है, सॉरी डिस्टेंस का चेंज होना कहलाता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट। अब 1 मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि SI यूनिट के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड में आंसर आता है या किलोमीटर आर्स में आता है। तो अगर मिनट दे रखा है या बीच की कोई भी यूनिट दे रखी है तो हमें उसे चेंज करना ज़रूरी होता है। तो अगर मीटर में है तो नीचे हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 60 सेकंड से मैंने उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिनट में, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो 60 डिवाइडेड बाय 60 करने से 3 मीटर पर सेकंड आंसर आया। अब अगर आपसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है तो डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो, ठीक है। तो स्पीड टाइम भले ही 60 सेकंड लग रहा है तो ओवरऑल आंसर तो ज़ीरो ही आना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड उषा की कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड है, पर वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या आएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पीड और वेलोसिटी में टर्म समझ में आ गया कि हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है ना, जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर पहले 2 सेकंड में उसने मान लो 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 3 सेकंड में उसने 1.5 ट्रैवल किया, यहाँ पर उसने 4 सेकंड लगाए, यहाँ 5 लगाए, तो हर बार वो अलग अलग टाइम ट्रैवल कर रहा है अलग अलग डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अलग अलग डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो उससे इन सब का कैलकुलेशन एवरेज कैलकुलेशन कहलाता है स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो 5 किलोमीटर है उसे कितना लगा? 3 सेकंड लगा। अगेन ये इसी तरह कोई रास्ते को ट्रैवल करता हुआ जाता है और अगले पॉइंट तक जाने में इसे अगेन 5 किलोमीटर में ही 4 सेकंड लगा, ठीक है, 4 मिनट लगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं मिनट में। तो इस तरीके से बार बार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी, और बार बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक
सॉरी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी फॉर दिस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस में हम क्या देखेंगे कि सिर्फ कहाँ कहाँ ट्रैवल किया टोटल पाथ लेंथ, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी, कौन? डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि यहाँ मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ या फाइनल से इनिशियल की तरफ। ठीक है, तो जब डायरेक्शन इंक्लूड होती है तो वेक्टर कहलाती है। अब देखो चेंज इन डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पीड, स्पीड का डिस्टेंस का बार बार चेंज होना वो कहलाता है स्पीड, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई, और डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना कहलाता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये आपका स्केलर और वेक्टर वाला टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।